What are you writing, Anviti? C. You're writing C? Yeah. Show me how to write C. A for? Apple. B for? Ball. C for? Bat. D for? Dot. Can you write it? Can you write A? One straight line. When one straight line. Another straight line. Another straight line. And then join. Join. Like that. Who taught you this? Papa? Okay, now I'll tell you. One straight line, then another straight line, and then join. This is A. Now can you make it for me? Can you write it now? Show me how to write A. Hey guys, welcome to Little Joys of Life. आज है वेडनेसडे और अभी बजा है शाम का 6:05. So अनुज अभी ऑफिस से आ गए. कहाँ पे हो आप? अच्छा, अनुज घर में खो गए हैं. So मैं बनाने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, बहुत ही देसी तरीके से, नथिंग फैंसी. हाँ जी, तो मैंने जार में थोड़ी सी बर्फ ली है और बस इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क और थोड़ी सी कॉफ़ी. दैट्स इट. मिल्क और इसमें मैं बस थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर दूँगी. So this is the coffee that I'm adding. आजकल कैबी का तोड़ने वाला फेस चल रहा है. उसके हाथ में जो भी खिलौना आता है वो एकदम टूट फूट जाता है. मैं आपको दिखाती हूँ. ये कुछ टाइम पहले एक डॉल हुआ करती थी जिसके ना तो अब हाथ है ना पैर है, खाली धड़ है. ऐसे ही जगह जगह आपको पजल्स पड़े मिल जाएंगे और पजल का ये ऊपर वाला निकाल देती है और सिर्फ कार्डबोर्ड बचता है. सो बाय द वे, कमिंग टू माय कॉफ़ी, मैंने इसमें 3 छोटी वाली टीस्पून कॉफ़ी मिला दी है. ये रही कोल्ड कॉफ़ी. कोल्ड कॉफ़ी अभी बनी नहीं है, इसमें सिर्फ आइस है, मिल्क है और कॉफ़ी है और कोई शुगर नहीं है क्योंकि शुगर हम ऐड नहीं करते हैं. So this is my cold coffee और इसको जस्ट मैं ग्लासेस में कोल्ड करूँगी. आप पे खड़े हैं जो मुझे कंटिन्यूसली टीज कर रहे हैं. मेलबर्न में कोल्ड कॉफी पीने के मौके बहुत कमी आते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ ठंड रहती है. ठंड रहती है, मज़ा आता है ठंडे के कॉफी पीने का. कोल्ड कॉफी पीने का मजा नहीं आता. हॉट कॉफी पी मैं हमेशा कोल्ड कॉफी पर्सन थी लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हॉट कॉफी पर्सन बन गई हूँ क्योंकि कोल्ड कॉफी पीने के बाद मैं ही जम जाती हूँ. आज ठीक है, आज प्लेजेंट है, आज का मौसम प्लेजेंट है. सो मेरी कोल्ड कॉफी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन गई है. जैसे मैं थोड़ी सी आइसक्रीम मिला रही हूँ और बाय द वे ये आइसक्रीम भी शुगर फ्री है. कॉफी बैठ के एंजॉय. और आज का डिनर बना रहे हैं अनुज, वो बना रहे हैं चिकन और उन्हें मेरे हाथ का चिकन इतना पसंद नहीं है. सो ही प्रेफर्स, इतना बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए वो मेरे हाथ से चिकन नहीं बनवाएंगे, वो खुद ही चिकन बनाएंगे. क्या तो इसमें बस क्या डाला है, लेमन जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये वाला मसाला कढ़ाई गोश्त मसाला. ये मीट मसाले से भी ज़्यादा यम्मी होता है. मैं चिकन में भी मीट मसाला डालती थी पहले लेकिन फिर एक बार मैंने ये डाला और ये इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है. सो डू ट्राई दिस वंस.
वो बैठी है अनविति, मुझसे गुस्सा है क्योंकि उसको मेरे फोन पे सॉन्ग सुनने और डांस करना है। दो मैंने टीवी पे चला दिया है। ओ, आपने ये काट दिए क्या इसको? क्यों क्या? ये ऑर्किड्स क्यों काट दिया आपने? काट दिया, वो खराब हो गया। अच्छा, कलम कर रहे हैं क्या? ये किससे भरा आपने? ओ अच्छा, ये सब घास ही है ना। इन लैम्प्स में हम रात को, मतलब ऐसे बहुत टाइम तो नहीं किया है बट एक दो बार ही किया है, इसमें रात को कैंडल्स लगाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये लैम्प्स रखे हैं यहाँ पर। एक भी ऑरेंज बड़ा नहीं हुआ ना। और दिखाती हूँ एक मजेदार चीज, ये है बादाम, कच्चे हैं अभी, जो खुद गिरते हैं ना बादाम नीचे, उनमें तो बड़े निकलेंगे, मतलब ये इसका तो ये भी नहीं हटता है ढंग से, जो सूख जाते हैं ना उनमें निकल आते हैं, तो पड़ा नहीं है ना। हाँ हाँ, निकाला था ना उस दिन। हाँ बिल्कुल, लेकिन शिल्पा कही थी कि वो कच्चा था बादाम, मतलब वो बिल्कुल जैसे नहीं बादाम की गिरी जो छोटी सी होती है। ये फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें कोई खुशबू नहीं है ना। इनमें कोई खुशबू नहीं है बट देखने में ये फ्लावर्स बहुत सुंदर है। तो फोन में देखना है, लॉन्ग वे में लाची आपको लगा तो दिया था। ये बच्चा, आपका सॉन्ग आ तो गया, इस पे करो। हाँ लॉन्ग वे में लाची। अच्छा रुको, मम्मा लगाती है। ये वाला आहा, अनविति का सॉन्ग आ गया। वैसे हर सॉन्ग अनविति का ही होता है, जिस भी सॉन्ग में बीट्स हैं इसको बहुत पसंद है। ये अनविति का सिग्नेचर स्टेप है और उसको लगता है कि उसने पूरा शी हैज डन मास्टर्स इन डांसिंग नाउ। हे गाइस, अभी आज मेरा डिनर है बहुत लाइट। आज मैं बना रही हूँ जस्ट पनीर के पराठे। मन नहीं था कुछ भी हैवी बनाने का, सो हम लोग ने सोचा कि आज कुछ हम लाइट रखेंगे अपने डिनर में। सो वी आर जस्ट मेकिंग पनीर के पराठे विद सम अचार एंड कर्ड एंड दैट्स इट फॉर आवर डिनर। ये रहे पापा और वो रही अनविति। अनविति खा रही है फ्रूट्स, उसका शाम का रिफ्रेशमेंट ही नहीं फिनिश हुआ है अभी तक और अनुज का डिनर स्टार्ट हो गया है। वाई आर यू स्माइलिंग?